NCL देश की ऊर्जा आवश्यकताओं के अनुरूप 10 उच्च मशीनीकृत खदानों से कोयला उत्पादन कर रही है। खुली खदानों में उत्पादन व उत्पादकता मुख्यतः वृहद भारी मशीनी बेड़े पर निर्भर करती है। समय समय पर इन कीमती मशीनों की देखभाल इनकी कार्य कुशलता एवं कार्यावधि में वृद्धि के लिए आवश्यक है। अतः उच्च एवं आधुनिक मशीनी बेड़े के रखरखाव की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सेंट्रल वर्कशॉप जयंत की स्थापना की गई, जिसका मुख्य कार्य मशीनों की ओवरहॉलिंग, विभिन्न HEMM की मॉनिटरिंग एवं उनका रखरखाव है। 1992 में शुरू हुआ ये वर्कशॉप कोल इंडिया लिमिटेड के सर्वश्रेष्ठ कार्यशालाओं में से एक है। NCL के साथ साथ ये वर्कशॉप समय समय पर कोल इंडिया लिमिटेड की कई अन्य अनुषंगी कंपनियों को भी सहायता प्रदान करता रहा है। सेंट्रल वर्कशॉप को मुख्य रूप से रिपेयर और मोटर ट्रांसपोर्ट कॉम्प्लेक्स रूपी दो भागों में बांटा गया है। रिपेयर कॉम्प्लेक्स को भी मशीन शॉप, वेल्डिंग शॉप, इलेक्ट्रिकल शॉप, रिपेयर शॉप और हीट ट्रीटमेंट एवं रिक्लेम शॉप जैसे 6 अनुभागों में बांटा गया है। मशीन शॉप नए स्पेयर पार्ट के निर्माण और मशीनों के पुराने भागों के पुनर्निर्माण के लिए बनाया गया है। वेल्डिंग शॉप वेल्डिंग शॉप में लगातार इस्तेमाल हो रही मशीनों के पुर्जों को वेल्डिंग कर पुनः उपयोग के लिए तैयार किया जाता है। वहीं इलेक्ट्रिकल तथा रिपेयर शॉप को ड्रैग लाइन, शॉवेल, ड्रिल, डंपर व खदानों के संचालन में इस्तेमाल होने वाली इलेक्ट्रिकल AC-DC मोटर, जनरेटर, ट्रांसफॉर्मर आदि की ओवरहॉलिंग एवं रिपेयरिंग के लिए बनाया गया है। मशीन शॉप में निर्मित पुर्जों तथा औजारों के उपयोग अनुसार ताप उपचार के लिए हीट ट्रीटमेंट एवं रिक्लेम शॉप बनाया गया है। अगर हम जिक्र करें दूसरे भाग का, तो मोटर ट्रांसपोर्ट कॉम्प्लेक्स को 5 प्रमुख हिस्से इंजन शॉप, ट्रांसमिशन शॉप, व्हील मोटर शॉप, इंस्पेक्शन शॉप एवं प्रेस शॉप में विभाजित किया गया है। इंजन किसी भी मशीन का दिल होता है। इंजन रिपेयर शॉप में मशीनों के इंजन का निरीक्षण, मरम्मत, ओवरहॉलिंग व टेस्टिंग की जाती है। साथ ही यहां पर इंजन के कल पुर्जों की ओवरहॉलिंग की भी व्यवस्था है। ट्रांसमिशन रिपेयर शॉप में डंपर, डोजर, मोटर ग्रेडर, वाटर स्प्रिंकलर जैसे HEMM के ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन और टॉर्क कन्वर्टर को पूरे ओवरहॉल के बाद ट्रांसमिशन टेस्टिंग सुविधाओं के साथ शॉप में रिपेयर किया जाता है। व्हील मोटर शॉप में प्रमुख रूप से इलेक्ट्रिक ड्राइव डंपर में इस्तेमाल होने वाली मोटर की ओवरहॉलिंग एवं मरम्मत का कार्य किया जाता है। विभिन्न मशीनों के पुर्जों की गुणवत्ता और मानकों की जांच का कार्य निरीक्षण शॉप में किया जाता है। प्रेस शॉप में ड्रिल रॉड, शॉवेल एवं अन्य भारी मशीनों के पुर्जे, कोल हैंडलिंग प्लांट से जुड़ी मशीनों के मरम्मत के कार्य किए जाते हैं। विभिन्न इलेक्ट्रिकल मोटर और जनरेटर की शाफ्ट के रिपेयर का काम भी यही होता है। टीम के बदौलत हम सोफिस्टिकेटेड से सोफिस्टिकेटेड मशीन्स को यहाँ पर सब असेंबलीज को ओवरहॉल करते हैं। दूसरा एक हमारा जो मेन काम है, हम ये एज अ सेंटर ऑफ एक्सेलेंस काम करते हैं। यहाँ फील्ड के टिपिकल प्रॉब्लम्स जो वहाँ नहीं सॉल्व हो पाते हैं, तो हम हाईली टेक्निकल सर्विसेज भी देते हैं। हमारे लोग वहाँ जाते हैं, एनालाइज करके क्रिटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। रिपेयर कॉम्प्लेक्स और मोटर ट्रांसपोर्ट कॉम्प्लेक्स के अलावा केंद्रीय कर्मशाला में कंडीशन मॉनिटरिंग सेंटर भी है, जहाँ खदानों में लगातार काम कर रही HEMM के स्वास्थ्य की अवस्था को मॉनिटर किया जाता है। साथ ही टेस्टिंग के जरिए ये भी चिन्हित किया जाता है कि इन मशीनों के किस भाग को बदलने या सुधारने की आवश्यकता है, जिससे कि उनका ब्रेकडाउन व मेंटेनेंस समय को कम किया जा सके। इसके अतिरिक्त वर्कशॉप में वाहनों की आंतरिक और बाहरी सफाई, धुलाई, क्रेन, फोर्क लिफ्टर, ट्रेलर जैसे वाहनों का भी नियमित रूप से रखरखाव का कार्य किया जाता है। जिंदगी मूल्यवान है और इस बात को बखूबी समझते हुए हम हमारे कर्मचारियों की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं करते। इनकी सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए इन्हें विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है। मशीन इंस्पेक्शन के साथ साथ ये भी सुनिश्चित किया जाता है कि सभी कर्मचारी अपने निर्धारित सेफ्टी गियर्स पहनकर ही अपने कार्य करें।
इसी संदर्भ में त्रिपक्षीय बैठकों का भी आयोजन किया जाता है। पर्यावरण एवं प्रकृति संरक्षण की अहमियत को समझते हुए हमने वर्कशॉप परिसर में ग्रीन बेल्ट का निर्माण किया है। वर्कशॉप से निकले हुए पानी को ऑयल एंड ग्रीस ट्रैप व अन्य माध्यमों से शोधन के पश्चात अपने कार्यों में पुनः उपयोग में लाते हैं, जिससे कि हम जीरो डिस्चार्ज एफ्लुएंट वर्कशॉप की श्रेणी में अपना स्थान बनाए हुए हैं। मैन एंड मशीन का एक अनूठा संगम है सेंट्रल वर्कशॉप। इसलिए हमारे कर्मचारियों की हर जरूरतों को ध्यान में रखते हुए हम उन्हें सभी सुविधाओं से युक्त आवासीय परिसर, हरियाली से परिपूर्ण पार्क, बैंकिंग सुविधा, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मंदिर, मनोरंजन गृह, कैंटीन एवं कई अन्य सुविधाएं प्रदान करते हैं। हमारे कर्मचारी एवं उनके परिजनों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए डिस्पेंसरी की भी सुविधा दी गई है और इसी संदर्भ में उनके बच्चों की शिक्षा के लिए केंद्रीय विद्यालय जैसे प्रतिष्ठित संस्थान परिसर में मौजूद हैं। यहाँ पे काम करना मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है। कंपनी बहुत सारा हम लोग को बहुत सारी बेनिफिट दिए है, क्वार्टर दिए है, बस कोई भी कुछ भी कोई दिक्कत है हम लोग को इन्होंने बहुत सपोर्ट किया और हमेशा ही करते रहते हैं। 20 साल हो गया तो यहाँ काम करना बहुत ही अच्छा लगता है। हम मशीनों को संवारने के साथ स्थानीय समुदाय की जिंदगियां भी अपने CSR कार्यों के जरिए संवार रहे हैं एवं हम दूर दराज में बसे लोगों के विकास के लिए निरंतर तत्पर हैं। केंद्रीय कर्मशाला जैन NCL के उत्पादन लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विभिन्न HEM की असेंबली और सब असेंबलीज को OEM के मानदंडों के अनुसार रिपेयरिंग और टेस्टिंग कर विभिन्न परियोजनाओं की आवश्यकता की पूर्ति हेतु सतत कटिबद्ध और दृढ़ संकल्पित है। सेंट्रल वर्कशॉप एक ऐसी नींव है जो कि NCL को आत्मनिर्भरता का विश्वास देते हुए उत्पादकता की गगनचुंबी इमारत बनाने का साहस देता है।